प्यारे बच्चों नमस्कार। 11वीं कक्षा के गणित के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, और फर्स्ट चैप्टर का नाम है समुच्चय। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा वो बाईलैंग्वल होगा। बाईलैंग्वल का अर्थ है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ने में। तो आपको अगर कुछ समझना है तो कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि मैथमेटिक्स में मीडियम का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेनली आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और वोकैबुलरी थोड़ी सी अलग होती है, वो मैं साथ के साथ लिख दूंगा। बाकी तो काम देख ये दोनों मीडियम्स में सेम ही होना होता है। तो यहाँ देखिए कि पहले चैप्टर का हमारा नाम है समुच्चय या सेट्स, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और मैथ के बेस के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे देखिए जो आने वाले चैप्टर्स हैं रिलेशन एंड फंक्शन, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस, यानी ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये जो है इनका ये सेट्स का इन सभी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक महान मैथमेटिशियन का नाम पढ़ते हैं जिन्होंने समुच्चय का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सेट्स दी, उनका नाम है जॉर्ज कंटूर। ओके, अब यहाँ से देखिए कि वास्तव में समुच्चय होता क्या है, समुच्चय या सेट होता क्या है। तो अब देखिए हम दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों का संग्रह करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है भारत की नदियों के नामों का अगर हमने संग्रह किया है, या फिर हम अपने कक्षा के बच्चों के नाम की एक लिस्ट बनाते हैं, उनका एक संग्रह लेते हैं, या ताश के पत्तों का भी हम एक संग्रह का उदाहरण ले सकते हैं। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे चीज़ों के संग्रह के साथ डील करते हैं, तो उनमें से कुछ संग्रह तो सुपरिभाषित होते हैं, कुछ वेल डिफाइंड होते हैं और कुछ नहीं होते। अब पहले तो हम कुछ संग्रह के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह, भारत के सभी राज्यों का संग्रह, भारत की सभी नदियों का संग्रह। तो ये संग्रह या कलेक्शन, संग्रह को इंग्लिश में कलेक्शन बोलते हैं, ये सभी कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है। अब देखिए कोई भी संग्रह वेल डिफाइंड हो भी सकता है, सुपरिभाषित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब वेल डिफाइंड का अर्थ क्या है? वेल डिफाइंड का अर्थ ये है कि इस संग्रह का कोई भी, हम अगर कोई भी एक एलिमेंट उठाएं और फिर ये हम बता सकें कि ये संग्रह में शामिल है या नहीं, यस या नो में जिसका जवाब आएगा दैट इज वेल डिफाइंड। ओके, तो अब जैसे सप्ताह के 7 दिन आपको पता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अगर हम बात करें शुक्रवार, तो शुक्रवार इस संग्रह के अंदर आता है या नहीं आता, यस या नो? जवाब है यस, कन्फर्म है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो यह संग्रह वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। और अगर मैं बात करूँ जनवरी की, जनवरी इस संग्रह में नहीं आता क्योंकि वो तो वर्ष के महीनों का नाम है। ओके, महीने का नाम है, तो यहाँ पर जवाब हमारा नो, वेल डिफाइंड है। तो इसी तरह से जितने भी मैंने यहाँ पर संग्रह लिखे हैं वो सारे वेल डिफाइंड है कि भारत के सभी राज्यों का संग्रह और भारत की नदियों का संग्रह। जैसे गंगा नाम लिया, गंगा इस संग्रह में आती है। अगर नील का नाम लेंगे तो नील भारत की नदी नहीं है, नो आ गया। तो यस या नो कन्फर्म है। ओके, जिस हम कोई भी एक एलिमेंट उठाएं और वो एलिमेंट हम ये बता सकें कि इस संग्रह में है या नहीं है, इस कलेक्शन में है या नहीं है, तो वो वेल डिफाइंड है। ओके, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ
इंटेलिजेंट बॉय ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के इंटेलिजेंट बॉयज। अब देखिए, आपने कुछ लिस्ट बना ली अपने क्लास के बॉयज की, ठीक। अब इंटेलिजेंसी की कोई परिभाषा नहीं है। एक बच्चे को हो सकता है कि एक व्यक्ति इंटेलिजेंट मानता हो और दूसरा टीचर हो सकता है कि उसको इंटेलिजेंट ना मानता हो। तो मान लीजिए हमने किसी बच्चे का नाम लिया विनोद, आपके क्लास का, तो वो इसमें शामिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आप इसमें शामिल करते हो तो एक शक की गुंजाइश है, कंफर्म नहीं कह सकते कि वो इसमें शामिल होगा ही होगा, ठीक। तो जहाँ पर इस तरह से कंफर्म नहीं है, वो वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, ओके। अब ये सुपरिभाषित क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि समुच्चय जो है वो क्या है, वो सुपरिभाषित संग्रह है। वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह जो है वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, ओके। सेट क्या है, ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो मेरे हिसाब से आपको सेट की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये जितने भी हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए हैं, सारे जो है वेल डिफाइंड है, तो ये सारे सेट हैं। लेकिन इसी तरह से यहाँ देखिए कि मैंने दो संग्रह लिखे हैं कि भारतीय विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। अब विख्यात की तो कोई परिभाषा नहीं होती, इसलिए ये सेट नहीं है। इसी तरह से कक्षा 10 के अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का संग्रह, ये भी कोई परिभाषित नहीं है, ओके। तो अब देखिए आगे आता है कि समुच्चयों का निरूपण, कि समुच्चय या सेट्स को हम लिखते कैसे हैं। इसको लिखने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, कौन कौन से, कि एक तो है हमारे पास रोस्टर मेथड और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर को हिंदी में भी रोस्टरी बोलते हैं और सेट बिल्डर को बोलते हैं समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण विधि, ओके। तो रोस्टर का मतलब क्या होता है, रोस्टर का मतलब होता है लिस्ट या टेबल या सारणी, ठीक। और सेट बिल्डर या इसको रूल मेथड भी कह देते हैं। तो इसमें उस संग्रह में यानी समुच्चय में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको हम एक किस्म से परिभाषित कर देते हैं, ओके। और अब देखिए कि यहाँ पर मैं दोनों का एक एग्जांपल देता हूँ, कि जैसे 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय, ओके, कि सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 42, 42 के डिवाइजर्स का सेट। अब 42 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड करती है, एक 42 को डिवाइड करती है, दो करती है, तीन करती है, छः भी करती है, सात भी करती है, 14 भी 42 को डिवाइड करती है, 21 भी 42 को डिवाइड करती है, और 42 खुद 42 को डिवाइड करती है। देखिए यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना दी, एक रोस्टर बना दिया। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा करके हम रोस्टर मेथड में एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए सेट को रिप्रेजेंट करते टाइम यहाँ पर जैसे इसका नाम देते हैं वो कैपिटल लेटर में देते हैं, ओके। सेट को हमेशा ही कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रोस्टर की खास बात एक और है कि अगर ये एलिमेंट हम आगे पीछे करते, जैसे मैंने दो पहले लिख दिया, छः उससे पहले लिख दिया, एक बाद में लिख दिया, दो बाद में लिख दिया, और 42 यहाँ लिख दिया, 21 यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ लिख दिया, 14 यहाँ लिख दिया, यानी सारे आगे पीछे करके लिख दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये एलिमेंट आगे पीछे करके लिख दिए तो भी रोस्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलत नहीं होगा, ओके।
तो स्टूडेंट का कमेंट है कि दिल्ली चलेगा, ये पूछ रहे हैं। तो 11th क्लास का लेक्चर जो है मैं हर रोज़ शाम को 9 बजे लेने की कोशिश करूँगा, और आपको पहले एक आप ज़रूर चेक कर लें। तो कल जो है आपका हर हालत में नेक्स्ट लेक्चर होगा, अभी तो चल रहा है, इसको समझिए आप ध्यान से। और 11th की फिजिक्स भी आपको रेगुलर करवाई जाएगी, मुझे अभी थोड़ा सा नोट्स प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा था, मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिया आगे 2-3 यूनिट्स के, ठीक है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा देखिए कि मैं आपको रोस्टर समझा रहा था, यहाँ पर रोस्टर मेथड से सेट को रिप्रेजेंट करना, समुच्चय का निरूपण समझा रहा था आपको कि रोस्टर विधि में कैसे करते हैं, कि इस तरह से इसमें एलिमेंट्स की लिस्ट आ जाती है, जो ये एक एक जो सदस्य हैं इसको हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं या एलिमेंट भी कह देते हैं। यानी यहाँ पर इन जैसे यहाँ पर हमने जो संख्याएं लिखी हैं, इन संख्याओं को हम क्या क्या कह सकते हैं, वस्तुएं कह सकते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु भी हो सकती है, या अवयव, अवयव या एलिमेंट्स, या फिर सदस्य भी कह सकते हैं इनको। अगर मैं बोलूँ कोई ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या मेंबर, इसका मतलब मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक, ये तीनों पर्यायवाची है सेट के लिए, ये 1, 2, 3, 6, 7, 8, ये क्या है, ये सेट ए की वस्तुएं हैं या इसके एलिमेंट हैं या इसके सदस्य हैं। ओके, क्लियर। अब एक खास बात और रोस्टर के आप नोट कीजिए कि अगर हम किसी को रिपीट कर देते हैं, यहाँ पर जैसे एक को मैंने 3 बार रिपीट कर दिया, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, तो देखिए कि रिपीटेशन यहाँ पर डज नॉट मैटर, कि कोई ज़्यादा मैटर नहीं रखता। ओके, यानी रिपीट कर दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसका अर्थ सेम यही रहेगा, जो इसका अर्थ सेम टू सेम यही वाला रहेगा, ठीक। तो एक उदाहरण से और समझाता हूँ, जैसे मान लिया आपने 2, 2, 2, 3, 4 अगर ये लिखा और 2, 3, 4 ये लिखा, ये दोनों सेट क्या हैं, सेम है। ओके, तो मेरे हिसाब से सभी को समझ आ रहा होगा, जो बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वो अपना कमेंट दे करके बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम जो रोस्टर विधि में हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेट बिल्डर में समुच्चय निर्माण विधि में देखिए, बहुत ही आसान है ये, कि जैसे ये सेट ले लेते हैं एक, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 21 और 42, ये क्या है, ये 42 के विभाजक हैं। तो पहले हिंदी में बता देता हूँ, उसके बाद इंग्लिश में। ऐसे एक्स लिखेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है एक्स ही, और जहाँ पर एक्स क्या है, एक्स ये 42 का विभाजक है, एक्स संख्या 42 का विभाजक है। ओके, और साथ में ये सारी क्या है, प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x संख्या 42 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या है। ओके, फिर इसको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ओके, इसी तरह से एक मैं सेट और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने सेट बी ले लिया, सेट बी है ए ई आई ओ और यू। अब देखिए यहाँ पर हमने लिस्ट तैयार कर दी, तो ये रोस्टर विधि है, इसी को ही हम समुच्चय निर्माण या सेट बिल्डर में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी और हर एक मेंबर के लिए हम एक जनरल अक्षर एक्स लिखेंगे, सच दैट कि एक्स क्या है, यहाँ पर ए ई आई ओ यू क्या है, अंग्रेजी में
की वर्णमाला के वोवल्स हैं, ठीक, जहाँ एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक। ये लिख करके ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। वेयर एक्स इज वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ओके। तो इस तरह से आप कोई भी सेट को आप रोस्टर में और सेट बिल्डर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल जो आपको दिया हुआ कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन सेट आपने बताना है कि यहाँ पर आपको दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक ही द्विघात समीकरण दे दिया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए, ओके। तो पहले तो आपको इसका हल फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसका हल देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का टू और ऐड करें तो प्लस का टू, तो प्लस का वन, तो ऐसा होगा टू एक्स माइनस एक्स, यानी मिड टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस टू, इन दोनों में से माइनस वन कॉमन लिया तो एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू फिर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन। तो इसका मतलब एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो या फिर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और एक्स इज इक्वल टू वन। तो इस इक्वेशन के ये दो सॉल्यूशन आ गए हैं, इसके दो हल आ गए हैं, ठीक। इन दोनों हलों का आपने क्या करना है, रोस्टर रूप में, लिस्ट रूप में आपने क्या करना है, एक समुच्चय बनाना है। तो वो समुच्चय आप लिख दीजिए माइनस दो और एक, और क्योंकि रोस्टर में बनाना तो इस तरह से आप लिख दीजिए, ओके। और अगर आपको इसी क्वेश्चन को ये कह दे कि इसको सेट बिल्डर में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है, तो आप इसको ये कह सकते हो कि जैसे इसका कोई भी नाम दे दो कैपिटल लेटर में, ठीक। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ठीक। एक्स जो है इस समीकरण का हल है, ओके। अब आगे देखिए सेकंड एग्जांपल कि राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं पहले स्टेटमेंट अच्छे से समझा देता हूँ कि आपको कोई भी एक सेट दे दिया कि यहाँ पर x और x क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, x क्या है कि धन पूर्णांक है जिसका वर्ग 40 से छोटा है, ठीक। तो ऐसा धन पूर्णांक जिसका वर्ग 40 से छोटा हो, ऐसे कौन कौन से होते हैं सोच के देखते हैं। धन पूर्णांक एक से शुरू हो जाते हैं, एक का वर्ग 40 से छोटा है, दो का वर्ग भी 40 से छोटा है, तीन का वर्ग 9 40 से छोटा है, चार का वर्ग 16 40 से छोटा है, पाँच का वर्ग 25 40 से छोटा है, और छः का वर्ग 36 40 से छोटा है, सात का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 40 से बड़ा हो जाएगा। तो ये संख्याएं जो है इस सेट में आएगी, ओके। तो यहाँ पर हम इसका हल लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ओके। इसको आप अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हो, ए बी सी, या कैपिटल में देना नाम इसका, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए नाम दे दिया इसको, ठीक। तो यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ा सा हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं कि
संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अभीष्ट संख्याएं हैं। अभीष्ट का मतलब जो हमें चाहिए वो संख्याएं हैं, इसलिए समुच्चय ये होगा बस। ठीक, और इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर रिक्वायर्ड नंबर्स, सो रिक्वायर्ड सेट कॉमा लगा करके ए इज इक्वल टू दिस। ओके क्लियर, तो इसको मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, ये माफ़ी चाहूँगा, आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। ओके तो ये अभी बढ़ नहीं पा रही है, कल मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली इम्प्रूव करके फिर आपके सामने आऊँगा, तो आज थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। ओके तो चलिए अब समय खराब ना करते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेट इसको आपने समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, यानी ये जो पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको रोस्ट रूप दे करके, सॉरी सेट बिल्डर रूप दे करके रोस्टर पूछ लिया, इसमें रोस्टर दे करके सेट बिल्डर पूछ लिया। ओके अब देखिए यहाँ से आप इसको पहचानिए, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये क्या चीज़ है, ये अगर हम ध्यान से देखा तो 1 क्या है, 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है एंड सो ऑन। ओके तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा सेट क्या है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। ओके तो हम इसको ये कह सकते हैं कि देखिए 1 क्या है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस तरह से चलता जा रहा है, और 1, 2, 3, 4 क्या है, प्राकृत संख्याएं। तो हम ये कहेंगे कि हर एक जो सदस्य है उसके लिए हम एक सामान्य लिखेंगे एक्स। ओके और एक्स को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे कि एक्स एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, एक्स एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, एक्स इज स्क्वेयर ऑफ ए नेचुरल नंबर, एक्स इज स्क्वेयर ऑफ ए नेचुरल नंबर। ओके क्लियर, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसको थोड़ा और इम्प्रूव करें, तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, ओके वेयर एन बिलोंग्स टू एन। ओके तो ये कैपिटल एन जो है ये नेचुरल नंबर के लिए स्पेशल होता है, तो ये आपने याद रखना है। तो इस तरह से ये संख्या जो एन जो है वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं का के लिए स्पेशल डिनोटेशन होती है, और इसी तरह से आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ पेज नंबर 2 पर कुछ सेट्स के लिए स्पेशल लिखे हुए हैं कि एन जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए है, जेड इंटीजर्स के लिए है, इंटीजर यानी पूर्णांकों के लिए शब्द फिक्स है, और क्यू जो लेटर है वो परिमेय संख्या यानी रैशनल के लिए, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स के लिए फिक्स है। इसी तरह से पेज नंबर 2 पर आपको कुछ और दे रखे हैं, जैसे आर रियल नंबर्स के लिए, जेड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यानी धनात्मक पूर्णांकों के लिए, जेड माइनस ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए, और इसी तरह से आर पॉजिटिव, आर जैसे रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के लिए है, आर पॉजिटिव धनात्मक
वास्तविक संख्याओं के लिए फिक्स हैं, तो ये आप अच्छे से याद कर लें ताकि इस टाइप के सम में दिक्कत ना आए। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि अब यहाँ पर आपको लिस्ट के रूप में दिया हुआ है, रोस्टर रूप दिया हुआ है, उसको फिर वापस समुच्चय निर्माण में या सेट बिल्डर में आपने कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 आपको दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिखें, थोड़ा सोचने वाली बात है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो सीधा नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्याएं होगी, और नीचे वाले इसमें एक एक प्लस हुए हैं। तो हम ये कहेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। ओके, ऊपर वाला तो प्राकृतिक संख्या, नीचे वाला प्राकृतिक संख्या से एक फालतू है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या कहाँ तक है, 6 तक ही, जहाँ एन एक प्राकृतिक संख्या है तथा एन इज लेस देन और इक्वल टू 6। ओके, तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको इतना लंबा लिखने के बजाय आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि x such that x is equal to n upon n plus 1 where n belongs to n and n is less than or equal to 6। ओके, ठीक, क्लियर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल नंबर 5 जो है ये मैचिंग टाइप का है, बिल्कुल आसान सा। अब यहाँ पर आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है और इस साइड जो है समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इनको आपस में आपने कंपेयर करना है। ओके, तो यहाँ से PRINCIPL ये जो सेट है इनमें से किसके लिए है, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है लास्ट में D कि ये वेयर एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट का D के साथ मैच है और अगला 0 0। देखिए कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फर्स्ट भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है। सी देखिए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका मतलब सेकंड का सी है। और यहाँ पर एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18 कि 18 को भाग देने वाला धन पूर्णांक है, एक 18 से 18 को भाग देता है, 2 भी देता है, 3 भी देता है, 6 भी देता है, 9 भी और 18 भी। ओके, तो इस तरह से ये जो है थर्ड ए के साथ, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 3 आता है, तो ये इसके साथ मैच हो गया। ओके, तो इसी तरह से जो है हम एक्सरसाइज 1.1 के सारे सम कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और रह गई थी कि मैं सेकंड क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देता हूँ कि यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और 5 यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको या तो ये साइन लगाना है या फिर ये वाला साइन लगाना है। ओके, एक बार फिर से, या तो ये साइन लगाना है या फिर ये वाला लगाना, इन दोनों साइनों का अर्थ भी मैं अभी बताऊंगा। और पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 8A 0A, बीच में सभी के खाली स्थान है, 4A 2A और 10A, बीच में खाली जगह में या तो ये निशान बनाना आपने या फिर ये वाला बनाना। ओके, तो अब देखिए ये इसका अर्थ है कि
जैसे 5 के बीच में हमने ये लगा दिया, इसका मतलब 5 सेट ए से संबंधित है, सदस्य 5 ए से संबंधित है, तो सदस्य 5 ए से संबंधित है। ओके क्लियर। तो इसी तरह से 8 के लिए, 8 देखो इससे संबंधित है ए से, अगर 8 संबंधित नहीं है तो ये निशाना था संबंधित नहीं का। ओके ये निशाना संबंधित है और ये संबंधित नहीं है, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके तो इसी तरह से 0 क्या यहाँ से बिलोंग करता है, नहीं करता, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 देखिए यहाँ बिलोंग करता है, तो 4 बिलोंग्स टू। 2 यहाँ बिलोंग करता है, तो बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 यहाँ ए से बिलोंग नहीं करता, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके तो आप बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का अच्छी तरह से अर्थ समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें देखिए कि आपको सिर्फ संग्रह पहचानने हैं कि कौन सा परिभाषित है कौन सा परिभाषित नहीं है। तो देखिए जैसे यहाँ पर प्रतिभाशाली है, सर्वश्रेष्ठ है और अधिक खतरनाक है, इनकी देखिए कोई परिभाषा नहीं होती इस टाइप की वोकैबुलरी की, तो ये अपरिभाषित है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, और ये जो है इनका आपने रोस्टर बनाना है, तो अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कल आपने मान लीजिए कि इसका कोई क्वेश्चन जो है आपको प्रॉब्लम आ गई है, तो इस लाइव स्ट्रीमिंग के तुरंत ख़त्म होने के बाद लगभग 2-3 मिनट बाद में प्रोसेसिंग हो जाए, उसके बाद आपने इसमें नीचे कमेंट, या कल तक आप कमेंट कर दो 9 बजे से पहले तक, और मुझे उस कमेंट में लिख दीजिए कि सर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3rd और पार्ट 2nd इस टाइप से ये प्रॉब्लम है। ठीक, तो आप लिख करके दे दीजिए, मैं कल वाले लाइव सेशन में पहले आपकी 1.1 की प्रॉब्लम से ही लूँगा, उसके बाद आगे आपको शुरू करूँगा, या फिर पहले स्टार्ट करके उसके बाद आपको यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे भी होगा कल वाले लेक्चर में मैं आपकी डिफ़िकल्टीज रिमूव करूँगा, और आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4-5 ये भी एग्जांपल्स की तरह से ही है, कोशिश करना आ जाएंगे, ना आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ। और 6ठा क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जांपल 5 की तरह से ही है। ओके तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताना, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।